मसीह यसू में तमाम आइजक टेलीविजन देखने वालों को पास्टर अमजद फारूक का सलाम कबूल हो। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारा हर साल एक बहुत ही इंतहाई खूबसूरत सेगमेंट होता है, चलें आइजक टीवी के संग, और आज हम आइजक टीवी के संग चलेंगे। और मेरे साथ मेरी खूबसूरत बीबी भी खड़ी है, और इनके संग संग चलते हुए मुझे 22 साल हो चुके हैं। सो आज मैं इनसे भी पूछूंगा कि 22 सालों का ये संग आपको कैसा लगा, और 2 साल का संग जो है वो कैसा लगा, और 22 सालों का संग आपको कैसा लगा। इस वक्त आइजक टेलीविजन पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप न्यू ईयर का और क्रिसमस का उनको क्या मैसेज देंगी? प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग जो इस महफिल में आए हुए हैं, मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे साथ बहुत सारे नए चेहरे हैं जो पिछले साल नहीं थे। कौन कौन था पिछले साल, ज़रा प्लीज़ हाथ उठाइएगा। इसका मतलब है कि ये सब नए चेहरे हैं जो इस दफ़ा आए हैं। नहीं नहीं, सब न्यू हैं। यस, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम हर साल इसी तरह ये सेलिब्रेशन करते हैं क्रिसमस की। तो कुछ लोग पिछले साल आए और कुछ लोग अभी जो नए इस साल आए हैं, तो वो भी इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू। हमारे बहुत ही मोहतरम भाई शकील अहमद साहब, और इनके साथ हमारे बहुत मोहतरम भाई वाजिद हुसैन साहब हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद क्रिसमस की, क्योंकि जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो हम सारी ज़िंदगी के आराम और सुकून की बात करते हैं, और जब आराम की बात होती है तो ऐसा लगता है कि हम जिस्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि आराम जिस्म को चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, गद्दा चाहिए, लेकिन जब हम सुकून की बात करते हैं तो हम रूह की बात करते हैं। तो सुकून के लिए ज़िंदगी गुजारना है, आराम खुद ब खुद आ जाता है। मैं आप सब लोगों को इंतहाई तहे दिल से चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट, कराची पोर्ट ट्रस्ट के तमाम अफसरान की जानिब से आपको बहुत मुबारकबाद, और आपको बहुत खुशामदीद हमारे समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके इसी खुशी के मौके पे हम सबको मुबारक देते हैं, और पूरे पाकिस्तान के क्रिश्चियन कम्युनिटी को और पूरी दुनिया को। अभी हमारे सीएमई साहब जो साथ खड़े हुए हैं, सीएमई साहब ने स्पेशल परमिशन दी थी, हमारे चेयरमैन केपीटी ने, और हमारे जीएमओ आसिफ अमीन साहब ने परमिशन दी थी आपके लिए कि आप लोग आएँ, आपको फैसिलिटेट किया जाए, आपको फैसिलिटीज़ दी जाए। आप हमारे इदारे के लिए दुआ करें, आप हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हम पे भी फ़र्ज़ है कि हम आप लोगों का बहुत ख्याल करें। एक ही जो हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, उसमें आपकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और आपका भी बड़ा उसमें पार्ट है। तो हम पूरे वर्ल्ड पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि आइंदा दिन जो 2018 आ रहा है, सबके लिए बेहतर हो और इंसानियत के लिए काम करें। ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। खुदा पास्टर राशिद आएंगे, और ये गिफ्ट जो पास्टर फजल ने भेजा है ये वाजिद साहब आपके लिए जाएगा। ये हमारे चेयरमैन साहब आपको बहुत प्यार करते हैं। जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा,
پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. سو یہاں پر ایک خوبصورت میسج یہ ہے, ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانوئل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. میرے عزیزو, اس چھوٹے سے میسج میں, اس آیت میں ایک خاص مفہوم, خاص پیغام ہے. کیا خدا ہمارے ساتھ ہے؟ اگر ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یسوع کے جنم دن کو مناتے ہیں, اپنے گھر سجاتے ہیں, کپڑے نئے پہنتے ہیں, چرچ سجاتے ہیں, خوشخبری سناتے ہیں, کیرل نکالتے ہیں, جشن کرتے ہیں, لیکن جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے, کیا خدا اس سارے معاملات میں ہمارے ساتھ ہے؟ پیدائش کا مقصد تب ہی پورا ہوگا جب خدا ہمارے درمیان ہوگا, جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا. جو جنم دن ہم منا رہے ہیں, کیا خدا اس سے راضی ہے؟ کیا خدا اس سے خوش ہے؟ کیا خدا ہماری زندگیوں میں ہے؟ کیا خدا ہماری دلوں میں ہے؟ کیا خدا ہماری فیملیوں میں ہے؟ ہم ترجمے کو اہمیت نہیں دیتے, جنم دن کو اہمیت دیتے ہیں, لیکن جس کا ترجمہ یہ ہے خدا ہمارے. اپنے سروں کو جھکائیں اور اس خاص وقت میں ہم رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں, جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, جس کی قدرت کاملہ نے انسان کو خلق کیا اور اسی کا رحم اور فضل ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے. قادر مطلق, خداوند بزرگ, آسمانی باپ, ہمارے زندہ خدا, ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں تیرے پیار, فضل, رحم اور ساری برکات کے لیے. زندگی اور زندگی میں موجود ساری نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, اور بالخصوص خداوند ہم دل سے شکر گزار ہیں کرسمس کی ان خوشیوں کے لیے جو تو نے سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں موقع بخشا ہے. ہم شکر گزار ہیں پاسٹر امجد فاروق کے لیے, ان کی مسز کے لیے, اور آئزک ٹیلی ویژن ان کی ساری ٹیم کے لیے, جنہوں نے خاص طور پر آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا. خداوند تیرا آسمان ان سب کے لیے کھل جائے اور تیری برکات تیرے خادم بندہ, اس کی فیملی اور تمام ٹیم کے لیے آسمان سے جاری ہوں اور تیرا فضل ان کی حفاظت کرے. خداوند ہم تیرے حضور دل سے دعا گو ہیں, باقی ساری تقریب میں تو ہمارا ہادی و مددگار ہو, خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. Now we would like to cut the cake of Christmas and the New Year. You can clap. ہر کوئی تالی بجا سکتا ہے, زوردار تالیاں بجائیں گے تمام خدام سے, بھائی شکیل اور بھائی آفیا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ سفر ہمارا
हमारे कराची के नाजरीन के साथ बहुत ही खूबसूरत गुजरा और सब ने बड़ी बरकत पाई और बहुत खूबसूरत खाना पेश किया गया। और स्पेशली हम शुक्रगुजार हैं सीनियर पास्टर फजल के, जिन्होंने हमारे लिए गिफ्ट भी भेजे, खाना भी भेजा। हम उनको दिल की इतहा कराइयों से मशकूर हैं, इसी तरह बाजी नीता के। और हम दुआ करते हैं कि खुदावंत इसी तरह अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। एक मरतबा फिर मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, शहर कराची की तरफ से, चले आइजिक टीवी के संग सबको हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। कीप वॉचिंग आइजिक टीवी।